नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। आप देख रहे हैं सुपर धोखे की कहानी। ये धोखा है बिल्डर्स का, धोखा ऐसा जो न सिर्फ आपकी जेब खाली कर देता है बल्कि मन पर ऐसे घाव दे जाता है कि घर खरीदने वाला ये सोच सोच कर परेशान रहता है कि अब जाए तो जाए कहां। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, जबरदस्त रिटर्न जैसे लुभावने ऑफर के साथ बिना किसी भी परमिशन के बुकिंग का शुरू होना धोखे की पहली सीढ़ी होती है। और फिर एक के बाद एक कई पड़ावों में बिल्डर झांसे का खेल खेलकर बायर को फंसाता है। क्या करे ऐसा कि पैसा भी महफूज रहे और घर भी मिल जाए। बिल्डर से परेशान लोग कहां जाए, कैसे इस धोखे से बचे, ये सब बताने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास सीरीज। सुपर धोखे की आज की सीरीज में आपको दिखाएंगे कैसे बिल्डर के फ्रॉड में फंसे हैं सैकड़ों बायर्स और उनकी परेशानियों का हल क्या है। किराए के हजारों रुपए जब हर महीने जेब से निकलते हैं तो लोगों को एहसास होता है कि अपना घर होना कितना जरूरी है। नौकरी से मिलने वाली सैलरी से घर लेना आसान नहीं होता, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं। आज आपको दिखाते हैं एक ऐसे ही शख्स की कहानी जिन्होंने सोचा कि किराया देने से तो बेहतर है कि ईएमआई दे और घर अपने नाम कर ले। पर क्या उनका यह सपना पूरा हो पाया, देखिए क्या हुआ संजीव कुमार सोनकर के साथ। राजधानी में संपत्ति की आसमान छूती कीमतों ने मिडिल क्लास को दिल्ली से सटे शहरों की तरफ रुख करने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली के कामकाजी एनसीआर के शहरों में अपना आशियाना तलाश रहे हैं। आशियाने की तलाश में लोग एनसीआर आ रहे हैं और यहां उनके सपनों को हकीकत में बदलने का दावा कई नामी गिरामी बिल्डर्स और डेवलपर्स कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई के इस खेल में न तो प्रोजेक्ट्स की कमी है और न ही खरीदारों की। खरीदार आशियाने की तलाश में है तो बिल्डर्स अपने नए नए और लुभावने प्रोजेक्ट्स के जरिए खरीदारों को न सिर्फ रिझाने की कोशिश करते हैं बल्कि इसके लिए वो सभी साम दाम दंड भेद अपनाते हैं। खरीदारों के सामने एक से बढ़कर एक लुभावनी स्कीम रखी जाती है। खरीदारों के साथ इस तरह ट्रीटमेंट होता है जैसे उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। अगर आप भी अपने आशियाने की तलाश में हैं और आपके साथ ही बिल्डर या डेवलपर कुछ ऐसा ही व्यवहार कर रहा है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि यहीं से आपके साथ ठगी और धोखाधड़ी की शुरुआत होती है। ऐसा ही कुछ हुआ मयूर विहार फेज 3 में रहने वाले संजीव कुमार सोनकर के साथ। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले संजीव किराए के मकान से छुटकारा चाहते थे, इसीलिए उन्होंने साल 2010 में अपना आशियाना खरीदने का प्लान बनाया। बहुत दिनों से रेंट पे रहते रहते परेशान होके फिर मैंने ये डिसाइड किया कि एक अपना भी घर हो। तो उसी टाइम समय पे नोएडा एक्सटेंशन में बिल्डर्स का काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट थे, तो मैं वहाँ गया और काफ़ी छानबीन की और मुझे लगा कि अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्लैट अपना बुक कराना चाहिए। संजीव ने इरादा किया कि उनका भी अपना एक घर होगा। घर की तलाश में वो जब ग्रेटर नोएडा पहुंचे तो वैसे तो कई प्रोजेक्ट उनके सामने थे, बड़े नाम से लेकर छोटे मोटे सैकड़ों प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा, लेकिन संजीव कुमार ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना और ग्रेटर नोएडा में उनके प्रोजेक्ट अर्थ टाउनी में अपना फ्लैट बुक कराने का फैसला किया, क्योंकि अर्थ टाउनी का कंसेप्ट उनके दिल को छू गया था। क्योंकि अर्थ में एक्चुअली बहुत जो उनका लेआउट था वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कि इतनी बड़ी टाउनशिप में सिर्फ एक स्विमिंग पूल में बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट होगा, तो उनके उन्होंने बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट रखा हुआ था कि 5 स्विमिंग पूल्स हैं, मतलब एक कई टावर के बीच में एक स्विमिंग पूल दे दिया और छोटे छोटे पार्क्स अलग अलग, और काफ़ी मतलब अच्छा वो लगा। तो ये सोच के फिर मुझे लगा, हालांकि वो जो गोल चक्कर है वहाँ से काफ़ी दूर था, पहले मैं सोच रहा था गौर सिटी और अमरपाली में लेने की, पर जब लेआउट देखा तो मुझे लगा 2-4-5 किलोमीटर अंदर जाना बेटर है अगर अच्छी फैसिलिटी मिलती है, तो ये सोचकर हमने वहाँ बुक कराया। संजीव कुमार अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अर्थ टाउनी प्रोजेक्ट से काफी इंप्रेस थे, यहाँ की फैसिलिटी उन्हें पसंद आई। ऐसे में उन्होंने बिना देरी किए 10% बुकिंग अमाउंट देकर अर्थ टाउनी में 8वें फ्लोर पर 895 स्क्वायर फुट का यूनिट नंबर 803 बुक कर लिया। घर मिल गया था, लेकिन घर के लिए पैसे का इंतजाम कैसे हो, ये परेशानी संजीव के सामने थी। यूनिट बुक करने के साथ ही अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने संजीव कुमार की इस परेशानी का भी हल दे दिया था।
अर्थ की तरफ से आश्वासन मिला कि वो होम लोन दिलाने में उनकी मदद करेंगे। अब संजीव को लगा सपने को हकीकत में बदलने की राह आसान हो रही है। संजीव कुमार बेहद खुश थे इस बात से अनजान कि बिल्डर उनकी मदद नहीं उन्हें अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर रहा है। संजीव अब तक बिल्डर की जालसाजी को समझ नहीं पाए थे और उन्हें नहीं पता था कि बिल्डर जो भी लुभावने प्लान या पॉलिसी उन्हें बता रहे हैं वो महज जालसाजी की स्ट्रैटेजी है। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन संदीप नामुंडा के साथ वैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। घर मिला और फिर होम लोन दिलवाने का वादा। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस रवैये से संजीव कुमार सोनकर बेहद खुश थे। उन्हें लगा कि वो सही जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और उन्हें मनचाहा घर भी मिल जाएगा। लेकिन अब तक वो अनजान थे कि उस मुसीबत से जो उनके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी। संजीव अपने घर के आशियाने के सपने में खोए थे और बिल्डर उन्हें जाल में फंसाने की तैयारी कर रहा था। बड़े बड़े विज्ञापन, लुभावने वादे और अट्रैक्टिव प्लान, ये मार्केटिंग का अहम हिस्सा होता है और इसी के जरिए खरीदारों को चकमा दिया जाता है। चकमा इसलिए क्योंकि अब जो संजीव के साथ होने जा रहा था उसका जरा भी अंदाजा उन्हें नहीं था। अर्थ ने जो प्लान संजीव को बताया उस पर वो आंख बंद करके भरोसा करते चले गए और यही उनकी सबसे बड़ी चूक थी। संजीव को सबसे पहला झटका तब लगा जब एक प्राइवेट बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया। ये वही बैंक था जिसे अर्थ ने रेफर किया था। उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया एचडीएफसी में होम लोन अप्लाई करो और वहां से हमारा अप्रूवल है, और हमने होम लोन एचडीएफसी में 2 जनवरी 2011 में अप्रूव करा लिया, जो समथिंग अबाउट 13 या 14 लाख के आसपास मुझे सैंक्शन हुआ। तो ये था 13-14 लाख उनका था और 10% मैंने दे दिया, बाकी 80% एक दो पेमेंट के बाद मैं फिर अपनी सेविंग से मैं और कर सकता था। पर जब हमने डिसबर्समेंट की बात करी बैंक से तो उन्होंने कहा आपको अपने बिल्डर से पेपर्स लाने होंगे जो उन्होंने डिमांड करी। उस पेपर्स को लेके लेने के लिए जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका एचडीएफसी से हमारा अभी टाई अप नहीं है, तो आप ऐसा करो आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन अप्रूव करा लो। एक बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया था लेकिन तब भी संजीव को शक नहीं हुआ। अक्सर खरीदारों को प्री लॉन्च ऑफर के नाम पर डेवलपर या बिल्डर अपना शिकार बनाते हैं। संजीव के साथ भी इसकी शुरुआत हो गई थी लेकिन संजीव अब भी इससे अनजान थे। उन्हें बिल्डर पर अब भी उतना ही भरोसा था। ऐसे में उन्होंने अर्थ के कहने पर बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने का फैसला किया। तो मैंने कहा ठीक है, हालांकि मेरे 15,000 रुपए एचडीएफसी बैंक में भी बेकार चले गए। फिर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रूवल के लिए फाइल डाली। उनकी एक होम लोन डिपार्टमेंट हेड थी सोनिया शर्मा जी, तो उन्होंने मुझे बोला। और इसके बाद जब हमने अप्रैल में वहाँ पे फाइल लगाई तो उसी टाइम हाईकोर्ट का ये किसानों वाला मसला शुरू हो गया, जिसके कारण हाईकोर्ट ने सारे प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी और सारे बैंक ने फंडिंग करनी बंद कर दी। प्री लॉन्च ऑफर के झांसे में संजीव आ चुके थे, अब उन्हें भी धोखाधड़ी की बू आने लगी थी। एक तरफ मामला कोर्ट में था तो दूसरी तरफ बिल्डर की तरफ से डिमांड लेटर आ गया था। मामला कोर्ट में जाने के बाद बैंक पहले ही अपना हाथ खड़ा कर चुका था। ऐसे में संजीव कुमार ने अब फूंक फूंक कर कदम उठाने शुरू कर दिए। स्टिल अर्थ वालों ने मुझसे डिमांड करी। पहले तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो फ्लेक्सी प्लान को सीएलपी में चेंज कर लो। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा लगेगा पर लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, और मैं फ्लेक्सी प्लान ऑप्ट करने के लिए तैयार भी हो गया। पर उनसे बस सिर्फ एक ही चीज मैंने डिमांड करी कि जो भी मैं अमाउंट दूंगा अपनी पॉकेट से वो मुझे एज इट इज वापस मिलना चाहिए, इन केस अगर हाई कोर्ट किसी भी तरह से कि बिल्कुल रोक लगा देती कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं, और आप मुझे इस चीज का रिटर्न में दे दो। उन्होंने उसको देने से इनकार कर दिया। जब उनको देने से इनकार कर दिया तो ऑलरेडी मैंने 2,57,000 जो दे रखे थे वही फंसे हुए थे, तो दूसरी और मनी कैसे मैं दे देता। संजीव कुमार अब भी पैसा देने के लिए तैयार थे लेकिन बिल्डर ने रिटर्न में कुछ भी देने से इनकार कर दिया। अब संजीव कुमार के सामने सब साफ हो गया था। वो समझ गए थे कि बिल्डर आश्वासन और दावे के नाम पर उनकी भावनाओं से खेल रहा था। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन संदीप नामुंडा के साथ वैद्यनाथ झा की रिपोर्ट।
संजीव कुमार अब बिल्डर की चाल समझ चुके थे। बुकिंग अमाउंट देने के बाद अब और पैसा देने से पहले वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि उन्हें उनका फ्लैट या पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अर्थ ने इसके लिए भी हामी नहीं भरी। अर्थ की तरफ से कोई लिखित आश्वासन उन्हें नहीं मिला। रियल स्टेट में किसी भी तरह के नियम न होने की वजह से हर मोड़ पर धोखे की संभावना बनी रहती है। इस धोखे की शुरुआत होती है प्री लॉन्चिंग की मृग मरीचिका के साथ। सबसे सस्ता, सबसे बेहतर, जबरदस्त रिटर्न जैसे लुभावने ऑफर के साथ बिना किसी मंजूरी के बुकिंग शुरू हो जाती है। संजीव भी इसका हिस्सा बन चुके थे। आशियाने का सपना बिखरता नजर आने लगा। किसानों से जमीन विवाद का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में था। पहले से ही परेशान संजीव को एक और झटका, या यूं कहें कि आशियाने के सपने पर पानी तब फिरा जब बिल्डर की तरफ से कैंसिलेशन लेटर भेज दिया गया। इसके बाद फिर उन्होंने 2-3-4 महीने बाद उन्होंने कैंसिलेशन लेटर भेज दिया। तो मैंने उनसे बात किया तो मैंने कहा मैं पेमेंट के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि अभी डिस्प्यूट चल रहा है, आप थोड़े दिन वेट करो, जैसे कुछ होता है मैं आपसे बात करता हूं। एक तरफ हाथ में बिल्डर की तरफ से भेजा गया कैंसिलेशन लेटर था तो दूसरी तरफ उसी बिल्डर का आश्वासन। संजीव कुमार कंफ्यूज थे कि आखिर वो सच किसे माने। ऐसे में इंतजार के अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लगभग एक साल तक कोर्ट में चली लड़ाई के बाद मामला तो हल हो गया, लेकिन संजीव अब बुरी तरह फंस चुके थे। संजीव को हालांकि अब भी सही लगा कि कोर्ट केस में फैसले आने से उन्हें भी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या इशू हुआ था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जारी किया कि जो भी पुराने कस्टमर हैं 2010 के, आप उनको डिमांड ड्राफ्ट, मतलब डिमांड करो, भेजो, उनको आप कैंसलेशन नहीं कर सकते। डिमांड भेजो जो आपकी जेन्युइन डिमांड है और उनको एक महीने का टाइम दो। तो जब ये वर्डिक आई वहां से तो हम लोगों ने तुरंत इमीडिएट 1,00,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवा के और वो जो हाई कोर्ट की कॉपी थी वो लगा के उनको भेजी। स्पीड पोस्ट भी की, डायरेक्ट जाके भी दी, पर उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। इसके बाद फिर हमने 2-3 महीने तक वेट किया। इसके बाद कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया, वहाँ पर भी हाई कोर्ट ने उनको साफ चेतावनी दी कि आप उनको रिवाइव करें और 1 महीने के अंदर हाई कोर्ट को जवाब दें, पर मुझे नहीं लगता अभी तक कोई जवाब आया उनका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 2010 के बायर्स के फ्लैट कैंसिल नहीं होंगे। कोर्ट ने अर्थ से कहा कि बायर्स को डिमांड भेजो और 1 महीने का समय दो, लेकिन अर्थ ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। कोर्ट का फैसला आ चुका था। फैसले के साथ ही उम्मीदों ने एक बार फिर हिलोरे मारने शुरू कर दिए। संजीव को लगा कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए अर्थ उनका फ्लैट कैंसिल नहीं करेगा, लेकिन बिल्डर का कुछ और ही प्लान था। वो फ्लैट देने को राजी ही नहीं था। एक बार फिर संजीव की उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिर इसके बाद 2012 में जब सब कुछ ठीक हुआ, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा नहीं जी, आपका तो मैं कैंसिलेशन लेटर पहले ही भेज चुका हूँ और आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कहा अगर आपने पहले भेजा तो आपने चेक या कुछ ऐसा कुछ क्यों नहीं भेजा, हमारा पैसा रिफंड क्यों नहीं किया? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हो, तो हम ये चाहते हैं कि हम आपको एक और मौका दें और 2012 में आप इसको दोबारा से रिवाइव कर लो नए रेट पे, हम आपको उसमें अच्छा डिस्काउंट दे देंगे। सब कुछ ठीक होने के बाद संजीव कुमार इस उम्मीद से बिल्डर के पास पहुंचे थे कि उन्होंने जो सपना देखा था वो अब साकार होगा। लेकिन बिल्डर ने उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक बेतुका और नया प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। जो फ्लैट 2010 में संजीव ने 1700 रुपए पर स्क्वायर फुट में खरीदा था, वो अब अर्थ की तरफ से उन्हें 2800 रुपए पर स्क्वायर फिट में ऑफर हो रहा था। हम 3200 का रेट चल रहा, हम आपको 2800 का ऑफर करेंगे। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल सारा सारा गलत है। जो 1700 की चीज़ थी, हमने जो 1700 में परचेज करी, आज बिना मेरी कोई गलती के आप मुझे वो 2800 में दोगे, इतना वो पॉसिबल नहीं मेरे लिए और मैं वो नहीं ले पाऊंगा। इसके बाद मैंने डिनाई कर दिया। तो उन्होंने कहा आपको जो करना वो आप कर लो, लेकिन ये आपका रिवाइव नहीं हो सकता। संजीव कुमार अब अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चाल को समझने लगे थे। ऐसे में उन्होंने अर्थ के इस नए महंगे ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन वो अब भी अपने साथ हुए धोखे को भूल नहीं पा रहे थे। अपना फ्लैट पाने के लिए अर्थ के खिलाफ उन्होंने अब कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया।
इसके बाद फिर मैंने नेफोमा के थ्रू हाई कोर्ट में गया और इंडिविजुअली कंज्यूमर कोर्ट में भी गया, और वहाँ पर भी बस वही डेट पे डेट, डेट पे डेट, और अभी तक तो कुछ खास हुआ नहीं। आशियाने की चाहत को पूरा करने के लिए संजीव की लड़ाई जारी है। संजीव को उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में ही आएगा, लेकिन सवाल ये कि पिछले 4 सालों से जो तकलीफ संजीव को हो रही है, जो फ्लैट का सपना टूटा है और जो धोखा उन्हें मिला है, उसकी भरपाई कैसे होगी। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन संदीप नामुंडा के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से आशियाने का सपना टूटकर बिखर जाता है अगर आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गलत हाथों में सौंप दें। क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्या कुछ एहतियात आपको करना चाहिए, दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।